नमस्कार दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश कुमार, टीजीटी सोशल साइंस, मिशन पब्लिक स्कूल, नवाबगंज, बरेली। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू लाइट एजुकेशन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और कुछ भी क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड तो मुझसे आप जरूर पूछें। तो आज हम बात करेंगे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का सबसे एक ऐसा इंपॉर्टेंट पहलू जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है। डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं जैसा कि इलेक्टोरल सिस्टम में, इंडियन डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का नॉर्मल इलेक्शन होते हैं। तो टीचिंग स्टूडेंट अक्सर इससे कभी कभी फैमिलियर तो होते हैं पूरी तरह से, लेकिन जो उसका दूसरा साइड जो होता है, दूसरी काउंसिल्स भी हैं, उनसे वो फैमिलियर नहीं है। और आम आदमी भी हमारी जो दूसरी काउंसिल्स है उससे फैमिलियर नहीं होते, क्योंकि वो इलेक्शन प्रोसेस चेंज होता है कि पब्लिक वोट नहीं करती उसमें। तो यहाँ ये देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाइकैमरल गवर्नमेंट का प्रावधान है। तो हमारे देश में क्या है, देखिए, एक बाइकैमरल सरकार है। बाइकैमरल मीन्स क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जो टू हाउसेस से मिलकर बनी होती है। तो हमारी सरकार में क्या है, बाइकैमरल सिस्टम है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पार्लियामेंट हाउस है, ठीक, इसमें एक लोकसभा है, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो 545 मेंबर्स एंड 245 मेंबर्स। तो एक लोकसभा में 545 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं पूरे देश से, और उधर दूसरी तरफ राज्यसभा जो है इसमें 245 मेंबर्स कब अपॉइंट हो जाते हैं, कैसे होते हैं, ये प्रोसेस हर कोई नहीं जानता है, क्योंकि इन्हें पब्लिक वोट नहीं करती, ठीक है। और जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर स्टडी करते हैं, और आम आदमी की नॉलेज से अलग होता है ये प्रोसेस, लेकिन जरूर होता है। इसकी यहाँ भी मेंबर्स की, ये भी एमपी होते हैं और ये भी एमपी होते हैं, ठीक है। ठीक, ये जो राज्यसभा हाउस है, इसी तरह हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं। तो यूटीज की सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है यूनियन टेरिटरीज को, लेकिन 28 स्टेट्स जो है सभी की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, ठीक। तो 28 गवर्नमेंट्स हो गई, सभी में असेंबलीज होती हैं, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सभी स्टेट्स के, ठीक है। तो असेंबलीज के कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें डबल असेंबलीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, जिस तरह है दूसरा हाउस हमारा राज्यसभा है, फर्स्ट हाउस लोकसभा है, ठीक है। तो इस राज्यसभा की तरह इन 28 स्टेट्स में से 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में ये प्रावधान है कि हमारे कंट्री के 6 स्टेट जो ऐसे हैं जिनमें एक MLA's लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड दूसरा काउंसिल MLC का है। तो ये टू हाउसेस होते हैं, टू हाउसेस, MLA's हाउस यानी के लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस अलग होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस अलग होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में ये प्रावधान है कि 6 स्टेट ऐसे हमारे देश के जिनमें ये बाइकैमरल गवर्नमेंट है, टू हाउसेस हैं, रिमेनिंग 22 में ऐसा नहीं है, यानी कि 6 स्टेट है, बाकी बचे 28, इनमें सिंगल असेंबली है ओनली। तो जो 6 स्टेट है कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, यहां पर नंबर ऑफ MLAs 175 है एंड 58 MLC, दूसरा हाउस यहां पर है 58। तो मैंने पहले बताया कि 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर टू हाउसेस हैं, MLA हाउस अलग और MLC हाउस अलग होता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में 175 MLA अपॉइंट होते हैं और दूसरे हाउस में 58 MLC अपॉइंट होते हैं, ठीक है। उधर बिहार 243 MLAs और 75 MLCs, कर्नाटक में 224 MLAs एंड 78 MLCs का हाउस अलग है, महाराष्ट्र में 288 MLAs, 78 MLCs, तेलंगाना में 119 MLAs, 40 MLCs, उत्तर प्रदेश 403 MLAs अपॉइंट होते हैं, सबसे बड़ा स्टेट है ये पॉपुलेशन में और सबसे ज्यादा मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, और 100 MLC यहां से अपॉइंट होते हैं। तो ये केवल 6 स्टेट है जहां पर टू हाउसेस हैं गवर्नमेंट के। अब
अगला क्वेश्चन उठता होगा आपके माइंड में कि एमएलसी अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशन सेम है एमएलसी अपॉइंट होने के लिए, जैसा कि एमएलएस के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वही एमएलसी के लिए है। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि एमएलसी अपॉइंट होने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 ईयर्स से कम का पर्सन एमएलसी अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक, ही बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो ऐसा पर्सन जो भारत का नागरिक होगा। अब ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी में भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वो पर्सन असेंबली में एमएलसी अपॉइंट होने के योग्य होता है। तो एज उसकी हो गई, सिटीजन्स हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, एमएलसी का टर्म क्या होगा, टर्म 6 ईयर्स। एमएलसी अपॉइंट होने के लिए जो टर्म है वो 6 ईयर का होता है। अब क्वेश्चन आता है कि एमएलएस का टर्म क्या है, वहीं पर देखा कि एमएलए का टर्म तो 5 ईयर होता है। ठीक है, 5 ईयर टर्म होता है, इसका 6 ईयर टर्म होता है। ठीक है, एमएलए का। अब एमएलसी का 6 ईयर टर्म क्यों हो गया, अब समझते हैं कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो असेंबली एक अलग हाउस है और ये अलग हाउस है। 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, ये 5 ईयर्स का टर्म है, तो 5 ईयर्स पूरे होने पर एमएलए का हाउस, पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाता है, यानी पूरा सदन विघटित हो जाएगा, सभी मेंबर एक साथ रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल मेंबर्स एक साथ रिटायर हो जाते हैं, फिर दोबारा से इलेक्शन होता है, सभी मेंबर एक साथ अपॉइंट होते हैं। लेकिन एमएलसी का जो हाउस है असेंबली का, हिंदी में से विधानसभा कहते हैं, इसे विधान परिषद कहते हैं। देखिए ये विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य, इसके सदस्य हर दूसरे साल, यानी कि 1/3 मेंबर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, तो हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर्स अपने पद से रिटायर होते हैं। उनका टर्म 1/3 मेंबर्स का हर दूसरे साल उनका टर्म पूरा होता है। ठीक है, रिमेनिंग मेंबर्स क्या होते हैं, हाउस में बने रहते हैं, और ये हाउस पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता, रिमेनिंग मेंबर्स अपने पद पर रहेंगे क्योंकि उनका टर्म पूरा नहीं हुआ है। तो जितने भी 1/3 मेंबर होंगे, चाहे 30 हो या 40 50, उनका इलेक्शन होता है, और बाकी बच्चों का इलेक्शन जब भी उनका टर्म पूरा होगा तब रहेगा। तो क्या हुआ, इस तरह से ये जो एमएलसी काउंसिल है ये एक अपर हाउस कहलाता है, जिस तरह राज्यसभा एक अपर हाउस है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एमएलएस असेंबली का ये एक लोअर हाउस है। ठीक, या इसे कहें हम कि परमानेंट हाउस होता है, ये परमानेंट हाउस। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसा होता है। आप एग्जांपल लेते हैं उत्तर प्रदेश का, यहां पर 403 MLAs अपॉइंट होते हैं और MLCs अपॉइंट होंगे 100। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करते हैं, और कौन कौन वोट डालता है इनके अपॉइंटमेंट में, ये सबको पता है कि इन 403 विधायकों का चुनाव होगा, तो पब्लिक वोट डालती है, सभी 403 चुने जाते हैं, पूरे स्टेट के 75 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो है, हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर अपॉइंट होता है, तो सभी 403 एक साथ अपॉइंट होते हैं जब भी इलेक्शन होता है। लेकिन इनको कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे, आपको इसमें जो भी पॉइंट लगता है इसे नोट कीजिए आप तब तक, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है इलेक्शन का। उत्तर प्रदेश में देखिए 100 403 तो एमएलएस हैं, फिर जान लेते हैं, एंड 100 MLCs हैं, तो उत्तर प्रदेश के इस 100 MLCs को कौन अपॉइंट करेगा। ठीक, अब देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। 1/3 मेंबर्स, इस 100 का 1/3 मेंबर्स अप्रोक्स में काउंट किया जाता है, लगभग देखिए 1/3 36 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उत्तर प्रदेश के म्युनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं, इनकी वोटर लिस्ट अलग होती है, ये लोग वोट डालते हैं और इन 36 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट इसके लिए रिजर्व होते हैं, इनकी वोटर लिस्ट से
इन 36 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है। अब टोटल का 1/3 मेंबर्स यहां पर लगभग 38 काउंट किया जाएगा, तो 38 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको एमएलए चुनते हैं। ये 403 एमएलए हैं, ये लोग वोट डालते हैं और इन 38 एमएलसी मेंबर्स को ये एमएलए अपॉइंट करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है 16 मेंबर्स, 100 का 16 मेंबर्स, 16 मेंबर लगभग 10 मेंबर्स ऐसे होते हैं इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे पर्संस जो साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट में एक्सेट्रा या गेम्स में, किसी भी फील्ड में जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं देश के लिए, जैसे कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, जो 12 होते हैं जो किसी भी फील्ड में फेमस रहे हैं और देश के लिए सेवा करते हैं, तो इनको नॉमिनेट किया जाता है, इनका इलेक्शन नहीं होता। इसी तरह एमएलसी 10 एमएलसी को गवर्नर, स्टेट गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जिनका इलेक्शन नहीं होता है इनको नॉमिनेट कर दिया जाता है डायरेक्ट। अब उसके बाद आता है 1/12 मेंबर्स, यानी कि लगभग 8 मेंबर ऐसे होते हैं 1/12 जो टीचर्स के द्वारा अपॉइंट होते हैं। कौन कौन टीचर्स वोट डाल सकते हैं? ऐसे टीचर्स जो माध्यमिक स्कूल्स में लगभग 10th से स्टैंडर्ड से अबव के स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स, इनमें डिग्री कॉलेज भी शामिल होते हैं, तो उन टीचर्स की वोटर लिस्ट पेपर होती है और इन 8 मेंबर्स को ये टीचर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वोट डालते हैं। उसके बाद 1/12 मेंबर्स, लगभग 8 मेंबर्स और अपॉइंट होंगे जो ग्रेजुएट्स अपॉइंट करते हैं। ग्रेजुएट्स ऐसे पर्संस जिनकी वोटर लिस्ट में नेम होता है और 12th प्लस 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स किए हुए लोग, जिनका वोट बनता है और ये वोट डालते हैं। 8 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट इनके द्वारा होता है। आप जानते होंगे 8 मेंबर्स कहां कहां से आते हैं। इन सभी की सीट्स रिजर्व होती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश बरेली मुरादाबाद मंडल से एक अपॉइंटमेंट होता है, कि हर एक मंडल से एक मेंबर्स अपॉइंट होता है, तो अलग अलग मंडल्स इन मेंबर्स के लिए रिजर्व है कि कौन से मंडल से म्युनिसिपैलिटीज मेंबर्स अपॉइंट कर रही है, कौन से अब एमएलएस के द्वारा हो रहे हैं वो तो कॉमनली सभी करते हैं। अब किन एरियाज से टीचर्स के निर्वाचन क्षेत्र है, कौन कौन से एरिया ग्रेजुएट्स के लिए रिजर्व है, तो इस तरह आप देखेंगे तो 100 मेंबर्स एमएलसी अपॉइंट हो जाते हैं और ये हाउस परमानेंट हाउस चलता रहता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो अलग अलग स्टेट्स में ऐसा है, सभी स्टेट्स में 100 मेंबर्स नहीं, किसी में 78 है, 80 है, 40, लेकिन 40 से कम कोई भी हाउस ऐसा नहीं होगा जहां 40 से कम हो, 40 से कम एमएलसी किसी भी असेंबली में नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपके ये सब, और कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।